Good afternoon to dear students. Today I will discuss about the unit 3. The topic name is the introduction about the pure substance, triple point and the critical point. This is the part of subject thermodynamics. What are the outlines of the today lectures? That it is the introduction, definitions of the pure substances, phase changes of a pure substances, constant pressure steam generation process, critical point and triple point. तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द टुडे लेक्चर्स कि क्या होता है सिस्टम. बेसिकली जो आज हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की, वो प्योर सब्सटेंस अभी कोरोना काल में चल रहा है. स्टीम सभी लोग लेते हैं घरों में, तो स्टीम जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस है. स्टीम लेना फायदेमंद भी माना गया है और स्टीम को प्योर सब्सटेंस भी माना गया है. तो स्टीम बन कैसे रही है? सबसे पहली बात ये है कि स्टीम को हम तैयार कैसे कर रहे हैं. स्टीम डायरेक्टली तो बनती नहीं है, सभी को पता है. स्टीम के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं कि जब आप पानी एक कंटेनर में लेके गैस पे चढ़ाते हैं और गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है. जब पानी गर्म होता है उसके बाद उबलना चालू होता है वो पानी. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उबलने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए वो उबलना चालू हो रहा है. सेचुरेशन टेम्परेचर पर वो उबलना चालू होता है, बॉइलिंग करना चालू होता है और आफ्टर द बॉइलिंग कंडीशन वो धीरे धीरे वो स्टीम के फॉर्म में जनरेट होना चालू होता है. उसमें वेट स्टीम आती है जिसमें कि मॉइस्चर पार्टिकल भी रहते हैं, यानी वाटर पार्टिकल्स भी रहते हैं. देन उसके बाद मॉइस्चर पार्टिकल के बाद यदि आप बात करेंगे तो उस स्टीम को यदि फर्दर हीट सप्लाई किया जाती है तो वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. मतलब वाटर पार्टिकल फिर पूरी तरीके से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम ड्राई स्टीम का नाम देते हैं. और उस ड्राई स्टीम को फिर गर्म करेंगे तो वो सुपर हीटेड स्टीम बननी स्टार्ट हो जाती है. तो सुपर हीटेड स्टीम में जाने से पहले कितने तरह की प्रोसेस होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फंडामेंटल है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजों को पढ़ना हमें जरूरी है. तो जैसे घरों में आप जो पानी गर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, उस प्रोसेस के थ्रू सारा काम हो रहा है. तो एक जो पहली स्लाइड आपकी देख रहे हैं कि एक सिंपल सिस्टम जो होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ की मोशन के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, विस्कोसिटी के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, फ्लूइड शियर के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, कैपिलरिटी के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को कंसिडरेशन किया जाता है और फिर उसके बाद होमोजीनियस जो सब्सटेंस रहता है इट हैज अ यूनिफॉर्म थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. ठीक है ना, जहाँ की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है यूनिफॉर्म मैनर में है उसको हम होमोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस जो है होमोजीनियस फॉर्म में रहता है, इन वेरिएबल केमिकल कंपोजिशन में रहता है और जो है वन फेजेस में ये एग्जिस्ट करता है. दिस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस इट मींस अ होमोजेनियस कंडीशन, केमिकल कंपोजिशन जो है नॉट ए इन वेरिएबल फॉर्म एंड इट मे बी एग्जिस्ट इन द मोर देन वन फेजेस, दैट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. तो स्टीम या जो वेपर है वो आपकी प्योर सब्सटेंस है. एग्जाम्पल्स के रूप में यदि प्योर सब्सटेंस लेंगे तो वाटर आता है. वाटर के अंतर्गत में यदि आप देखेंगे तो सॉलिड है, लिक्विड है और वेपर फेसेस है. ये आपके प्योर सब्सटेंसेस के रूप में आता है. मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर लेंगे तो वो आपका प्योर सब्सटेंसेस है. कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्योर सब्सटेंसेस है, नाइट्रोजन लेंगे प्योर सब्सटेंस है. मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज द एयर एज लॉन्ग एज देयर इज अ नो चेंज ऑफ फेज, यदि वहां पे गैसेस की कोई भी फेज चेंज नहीं हो रही तो वो आपका प्योर सब्सटेंस है. देन मूव टू द कि प्योर सब्सटेंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने का तरीका ऐसा है कि वो कंपोजिशन जो रहता है इसका होमोजीनियस फॉर्म में रहता है, उसे हम प्योर सब्सटेंस जानते हैं. अब प्योर सब्सटेंस में केमिकल एग्रीगेशन होता है कि नहीं होता है, इनवेरिएबल केमिकल एग्रीगेशन होता है कि नहीं होता है, ये हमें देखना है. बट प्योर सब्सटेंस को तीन भाषा में समझाया गया है. होमोजीनियस कंपोजिशन में रहता है, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन में रहता है. इसका मतलब है कि केमिकल एलिमेंट्स मस्ट बी कंबाइंड केमिकली इन द सेम वे इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. जितने भी केमिकल एलिमेंट हैं वो कंबाइंड रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या बोलना चाहिए केमिकली तरीके से एक दूसरे के बॉन्डिंग में रहते हैं. एंड दैट मेक्स अ पार्ट्स ऑफ सिस्टम. एंड नेक्स्ट इज द इनवेरिएबल इन द केमिकल एग्रीगेशंस, द स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंजेस विद द टाइम. केमिकल कॉम्बिनेशंस ये जो रहता है केमिकल एग्रीगेशंस, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशंस रहता है जो कि सिस्टम के साथ में चलता है बट चेंज नहीं होता है. तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि स्टीम है यहाँ पे तैयार है, इसको हम प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं. CO2 यदि सेपरेट में तो प्योर सब्सटेंट है,
बट यदि H2 और O2 को भी आप साथ में मिला देंगे तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, और O2 का मतलब ऑक्सीजन यानी एयर हो गई। यदि इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे तीन तरीके से प्योर सब्सटेंस को समझाया गया है, एक कंपोजीनियस में होमोजीनियस रहता है, दूसरा केमिकल एग्रीगेशन में होमोजीनियस रहता है, तीसरा केमिकल एग्रीगेशन जो रहता है वो इनवेरिएबल फॉर्म में रहता है। अब किस तरीके से फेज चेंज हो रही है अपने को समझने वाली बात है। तो यदि हम यहाँ पे एक सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म देखेंगे, दिस इज कॉल्ड अ सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म। ये आपका एक पिस्टन हो गया, यहाँ पे सिलेंडर हो गया जो कि पानी जो है यहाँ पे एक एटमोसफियर में भरा हुआ है, और उसका जो टेम्परेचर है, जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब पानी जो है आपके नॉर्मल प्रेशर में भरा हुआ है और टेम्परेचर जो है उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब जो प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पे लिखी गई, प्रोसेस 1 to 2 कैसे हो रही है, ठीक है ना, एक वन मिनट, प्रोसेस 1 to 2 कैसे हो रही है ये अपने को समझने वाली बात है। तो प्रोसेस 1 to 2 का मतलब ये है कि यदि पानी को आप गर्म करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे आपका वाटर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में है, उस लिक्विड को यदि आप गर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो आपका गर्म होके टेम्परेचर राइज हो रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के द्वारा, कुछ उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पिस्टन, जब उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर का बढ़ेगा तो पिस्टन अपनी पोजिशन यहाँ से चेंज करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस लिक्विड वाटर इन द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस वेयर अ फिक्स्ड वेट इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। तो ये आपका जो देख रहे हैं कि एक वेट यहाँ पर रख देंगे इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, तो जैसे ही पिस्टन ऊपर बढ़ेगा तो वेट भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। एज अ लिक्विड वाटर इज हीटेड व्हाइल द प्रेशर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट। यदि लिक्विड वाटर जो है उसको हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो प्रेशर जो है वहां पे कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन द कंप्रेस लिक्विड रीजन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड आर अप्रोक्सीमेटली द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट एट दैट टेम्परेचर। तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं सैचुरेटेड लिक्विड की वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अब सैचुरेटेड लिक्विड अपनी स्टेट को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, वहां पे ऐसा नहीं कि पानी पानी रहेगा, पानी कुछ बोलना चाहिए एवापोरेशन स्टेट में जाना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए प्रोसेस 2-3 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी आपने 1-2 प्रोसेस देखी थी, फिर 2-3 प्रोसेस आप देख रहे हैं कि वाटर जो है सेचुरेशन कंडीशन में पहुंच गया है। तो जो इसकी कंडीशन थी वो यहाँ से होके यहाँ पे कंडीशन आ गई है। अभी पिस्टन यहाँ पे था और पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ था, अब जब उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ के इसकी कंडीशन यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे पिस्टन आपका चला गया है। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर जो है अपनी स्टेट को चेंज करके स्टीम मोड पे आ रहा है, तो उस टाइम पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर जो है दोनों कॉन्स्टेंट रहेगा। तो पानी जो है बॉइलिंग होता है वो 99.97 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 1 atm या 101.325 kPa। तो ऐसे कंडीशंस पे वाटर जो है बॉइल जब हो रहा है तो वो अपनी स्टेट को गेन कर रहा है, तो वहां पे आपकी वेपर फेस आ रही है। तो तीसरे स्टेट पे जैसे ही वाटर जो है लिक्विडफाइड होके वेपर फेस में आएगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएगी, और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सेम टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहेगा, ओके। एंड द प्रोसेस 3-4, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे 3-4 पे कि सैचुरेटेड वेपर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा और पानी को गर्म किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाटर को और गर्म किया, तो वहां पे क्या हुआ, वापस से आपका जो वाटर था वो आपकी वेपर स्टेट में जाना चालू हो गया। तो जो V4 वाली स्टेट है वो ड्राई वेपर में कन्वर्ट हो गई है। तो इट इज द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, सैचुरेशन टेम्परेचर जो है या सैचुरेशन प्रेशर जो है, दैट इज द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब सैचुरेशन प्रेशर जो है ऐसा प्रेशर कहलाता है जहां की फेज चेंज हो रही है फॉर ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे अब क्या होगा कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो स्टीम को आप गर्म कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे जब वाटर अपनी फेज को चेंज कर रहा है और बोलना चाहिए वेपर के फॉर्म में आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन प्रेशर कंडीशंस। तो सैचुरेशन रीजन आ जाएगा स्टीम का, उस रीजन पे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू जो भी होगी वो उसको अपने को नोट करना है। मतलब सपोज दैट सैचुरेशन टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमोस्फेरिक प्रेशर पे यदि पानी जो है वेपर के रूप में यदि गर्म हो रहा है,
तो वो भी चल जाएगा। जैसा कि आप घरों में करते हैं कि पानी को यदि जल्दी गर्म करना रहता है तो कंटेनर के ऊपर आप एक प्लेट रख देते हैं, मतलब कंटेनर मीन्स भगोना, आपका जो भगोना है जिसमें कि पानी रखा हुआ है उसके ऊपर यदि आप प्लेट रख देंगे तो, और गैस पे ऑन कर देंगे, हीट सप्लाई करेंगे बर्नर के थ्रू, तो वहां पे आपका क्या देखेंगे कि पानी जो है जल्दी से स्टीम बन गया है, ठीक है ना, और प्लेट में भी कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने मतलब ये है कि प्रेशर को यदि कॉन्स्टेंट मेंटेन करना है तो आपने उसके ऊपर प्लेट रख दी। 4-5 पे चले गए, फिर ड्राई पेपर को और गर्म किया, वो सुपर हीट बनने की स्टेट पे आ गई, तो स्टेट जो 5 है वो सुपर हीटेड स्टेट हो गई है। तो जो T5 है इट इज द ग्रेटर देन ऑफ द सेचुरेशन टेम्परेचर, जो सुपर हीटेड टेम्परेचर है वो सेचुरेशन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड द थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है वाटर की सुपर हीटेड रीजन में, उनको सुपर हीटेड स्टीम टेबल से पढ़ते हैं। अभी हम स्टीम टेबल भी आपको कुछ दिनों बाद पढ़ना सिखाएंगे कि स्टीम टेबल कैसे देखनी पड़ती है। फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर स्टीम जनरेशन प्रोसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं कि सैचुरेटेड लिक्विड से आपने स्टार्ट किया, शुरुआत में आपका पानी जो था 1 bar पे था, 20 degree centigrade पे था, ये आपकी पहली इनिशियल कंडीशन थी। उसके बाद उसको लिक्विड को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद वहां पे आपका जो पानी जब उसको गर्म किया तो सेचुरेशन टेम्परेचर पे चेंज हुआ, उसका टेम्परेचर 99.975 हुआ। अभी प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने स्टीम को कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेचुरेटेड मिक्सचर है, इसका मतलब होता है यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम दोनों ही मिक्सअप फॉर्म में है। यहाँ पे अपनी वाटर जो है धीरे धीरे स्टेट जो है चेंज करता जाएगा, मतलब स्टीम के पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे आके स्टीम पूरी मिल जाएगी, वाटर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं 2 से लेके 4 तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पे वाटर पूरी तरीके से कम्प्लीटली स्टीम के फॉर्म में आ गया है। लेकिन 2 से 3 पे आप जाएंगे हो सकता है वेट स्टीम मिले, तो यहाँ इसकी ड्राइनेस जो फ्रैक्शन होती है वो काम करना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वेट स्टीम मिल रही है, 2 से 3 पे आप जा रहे हैं वेट स्टीम मिल रही है, यहाँ पे ड्राइनेस 60% रहे, 70% रहे। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर का जो स्टीम जनरेशन है उसके लिए भी फंडामेंटल फर्स्ट लॉ लगता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली आप बात करते हैं क्या कि जितनी भी हीट ट्रांसफर हो रही है उस सिस्टम के अंतर्गत में वहां के वर्क डन के बराबर और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर है, तो यहाँ भी वही फंडामेंटल लगेगा। उसके बाद आप जब देखेंगे इधर पे 3-4 पे आप क्या है, 4 से 5 पे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको सुपर हीटेड वेपर मिल रही है। क्यों मिल रही है? ड्राई सैचुरेटेड वेपर को आपने फर्दर और गर्म किया, जब और गर्म करेंगे तो वो सुपर हीटेड वेपर में चेंज जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आपने स्टीम को बनाना स्टार्ट भी था, इसलिए इसका नाम था कांस्टेंट प्रेशर स्टीम जनरेशन प्रोसेस। अब स्टीम 3 तरह की होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, वेट स्टीम होती है, ड्राई स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है। तो वेट स्टीम उस स्टीम को बोलता है जिस स्टीम के अंदर में मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस स्टीम के पार्टिकल रहते हैं। तो ऐसी स्टीम जहां की आपका वाटर भी अवेलेबल है और स्टीम के पार्टिकल भी अवेलेबल है उस स्टीम का हम नाम देंगे वेट स्टीम। और ऐसी कंडीशन आफ्टर द सेचुरेशन टेम्परेचर, यानी सेचुरेशन बोलना चाहिए जब पानी सेचुरेशन कंडीशन को क्रॉस करना चालू कर देता है उस टाइम पे अचीव होनी चालू होती है। तो जो वेट स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन रहती है वो 0 से लेके 1 तक जाती है, मतलब 0 से लेके 99% आप बोल सकते हैं, 1 नहीं बोल सकते, 1 बोलेंगे तो वो ड्राई स्टीम आ जाएगी, ठीक है ना। अब ड्राई स्टीम की बात करें तो एक ऐसी स्टीम जहां की वाटर पार्टिकल पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, दैट कंटेन नो वाटर, पानी पूरी तरीके से गायब हो चुका है, तो वैसी स्टीम को हम ड्राई स्टीम का नाम देते हैं। और वो स्टीम में जो ड्राइनेस रहती है, स्टीम क्वालिटी रहती है, वो 100% रहती है, इसे हम ड्राई स्टीम का नाम देते हैं। और उसके आप आगे बढ़ेंगे सुपर हीटेड स्टीम की तरफ पे, तो ड्राई स्टीम को और यदि आप गर्म करेंगे तो वो सुपर हीटेड स्टीम के कैटेगरी में आएगी, वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा सुपर हीट टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। तो सुपर हीटेड स्टीम एक ऐसे स्टीम जब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही आप ड्राई स्टीम को फर्दर गर्म कर रहे हैं, जो कि 5वीं स्टेट थी आपने देखा था डायग्राम में, तो वो स्टीम आपकी सुपर हीट रहेगी। उस कंडीशन पे जो डिग्री ऑफ सुपर हीट बनता है, क्योंकि सुपर हीट जब स्टीम कर देंगे तो टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, वो सेचुरेशन से और ज्यादा टेम्परेचर पे आ रहा है, जब सेचुरेशन से और ज्यादा टेम्परेचर पे आपका जाएगा
तो वहां पे आपकी जो स्टीम मिलेगी वो सुपरहीटेड क्वालिटी की मिलेगी। तो डिग्री ऑफ जो सुपरहीट कहलाएगा वो सुपरहीट टेम्परेचर माइनस ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर कितना था, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर से आप उठ के आपने सुपरहीटेड स्टीम बनाई, सैचुरेटेड टेम्परेचर पे आपने वाटर से पहले स्टीम को जनरेट किया, टेम्परेचर वहां पे चेंज नहीं हो रहा था, आपने प्लेट को ऊपर रख दिया कंटेनर पे, तो पानी जो है आपका गर्म होके पहले वेट स्टीम बना और उसका धीरे से वो ड्राई स्टीम बन गया, और प्लेट को जब आप छुएंगे तो वो काफी गर्म रहेगी और हो सकता है आपका हाथ जल जाए। तो इस केस में यहाँ पे सुपरहीटेड स्टीम चाहिए तो पहले आपको ड्राई स्टीम बनानी पड़ेगी। तो ये कंडीशन कंटिन्यूसली इसलिए लिखी गई है, पहले वेट स्टीम मिलती है, कभी भी स्टीम डायरेक्टली ड्राई स्टीम नहीं मिलती है। तो पहले वेट स्टीम मिलेगी जिसमें कि आपके वाटर पार्टिकल रहेंगे, साथ ही साथ में वेपर की फेज भी रहेगी, तो उस स्टीम का नाम देते हैं वेट स्टीम। ड्राई स्टीम की बात करेंगे तो जैसे ही वेट स्टीम को और गर्म करेंगे पानी के पार्टिकल उसमें से गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपकी वेपर बचेगी, उस स्टीम का नाम देंगे ड्राई स्टीम, और वहां पे जो स्टीम की क्वालिटी रहती वो 100% रहती है। इसी तरीके से ड्राई स्टीम को फर्दर आप और गर्म करेंगे तो वो सुपरहीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो सुपरहीट स्टीम कौन सी स्टीम कहलाती है, जब ड्राई स्टीम को आप फर्दर गर्म कर रहे हैं तो सुपरहीट स्टीम कहलाती है। तो दिस इज द डायग्राम जो कि आपका शो कर रहा है कि अलग अलग प्रेशर कंडीशन पे यदि आपने 0.01 मेगा पास्कल में आपने पानी को गर्म करके स्टीम बनाई तो वो एक कंडीशन अलग रहेगी, आपने 0.1 मेगा पास्कल में करा तो कंडीशन अलग रहेगी। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले सेचुरेशन लिक्विड कर्व ये था, सेचुरेट वेपर कर्व ये था आपका, फिर आप क्या देख रहे हैं बढ़ता ही चला जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, हीट इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा आपने इतने प्रेशर पे आपने हीट सप्लाई करी है, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो कि क्रिटिकल पॉइंट कहला रहा है। यहाँ पे आके जो वाटर है, पानी जो है डायरेक्टली वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, या बोलना चाहिए इस पॉइंट पे आके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो हो रही है। तो जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या बोलना चाहिए जब सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट जो है सैचुरेटेड वेपर से टकराता है डायरेक्टली, या बोलना चाहिए डायरेक्टली वहां पे मैचअप कर जाता है, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ की सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, वहां पे गैप नहीं रहता है, और बोलना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो जाती है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मिल रहा है 374.14 ये क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, इसको हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर यदि आप पानी को गर्म करेंगे तो ये सुपर क्रिटिकल कहलाता है। तीन तरह की कंडीशन होती है, अंडर क्रिटिकल जो आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अंडर क्रिटिकल कंडीशंस, दिस इज द क्रिटिकल कंडीशंस, और उसके ऊपर यदि आप और वर्क करेंगे तो सुपर क्रिटिकल। तो अबव द सुपर क्रिटिकल वर्क करने के लिए इतना स्ट्रांग वहां पे सिस्टम होना चाहिए ताकि यदि हीट आप कंटिन्यूसली सप्लाई करें तो वहां पे कोई भी किसी भी तरीके की लॉसेस ना हो, या बोलना चाहिए किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह का सिस्टम वहां पे बनाना चाहिए यदि अबव द क्रिटिकल पॉइंट आप काम कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में वही चीज आप देख रहे हैं कि लिक्विड कंप्रेस है, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है और ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। तो ये लिक्विड सैचुरेशन लाइन हो गई आपकी, ये वेपर सैचुरेशन लाइन हो गई, ये क्रिटिकल आइसोथर्म हो गया या सुपरहीटेड वेपर हो गया। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां की आप काम कर रहे हैं, इसके बीच में जो है वेट वेपर का रीजन है जहां पे वाटर प्लस स्टीम दोनों मिक्सअप है, यहाँ पे आपका वाटर प्लस स्टीम दोनों मिक्सअप है, उसको हम बोलते हैं वेट वेपर रीजन, ठीक है ना। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां की आपका बोलना चाहिए सैचुरेटेड लिक्विड, it is the diverted saturated liquid is the diverted from the this condition to this condition. तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा this is the critical point. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं volume आपका जो है critical point पे this is the 0.003155 है, this is in meter cube per kg. और यदि temperature की बात करें तो हमने आपको बताया था 374.14 degree centigrade critical temperature रहता है, और प्रेशर की यदि बात करें तो प्रेशर की वैल्यू 22.06 मेगा पास्कल रहती है, या और भी दूसरी वैल्यू इसमें रहती है वो आपकी मेगा पास्कल को यदि आप बार में चेंज करेंगे या किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो वो आपकी वैल्यू जो है
वो आपकी वैल्यू आपकी बार में भी आ जाएगी और प्रेशर में भी आ जाएगी। तो जो बार में वैल्यू रहती है वो 221 बार रहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, आप यहां पे क्या देख रहे हैं, सेचुरेशन प्रेशर वर्सेस द सेचुरेशन टेम्परेचर कर्व। यहां पे आप क्रिटिकल पॉइंट को इजीली लोकेट कर पा रहे हैं। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द कंप्रेस्ड लिक्विड सुपर हीटेड वेपर जोन, कि यहां पे उसके बाद यदि आप गर्म करेंगे तो सुपर हीटेड वेपर जोन मिलेगा आपको। ये आपका लो प्रेशर वेपर प्रेशर है जो आप देख रहे हैं। तो दिस इज द कूलिंग प्रोसेस, जब यदि सुपर हीटेड वेपर को यदि आप ठंडा करेंगे तो वो कूलिंग प्रोसेस में आता है। तो स्टार्ट ऑफ कूलिंग रिवर्स प्रोसेस कहलाती है। जैसे आपने हीटिंग की थी वैसे ही आप कूलिंग करिए, तो जैसे ही आपकी वो हीटिंग होके सुपर हीटेड वेपर बनी थी तो सुपर हीटेड वेपर से आप पहले ड्राई सैचुरेटेड वेपर बना लीजिए। ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रहेगी और उसके बाद उसको आप और ठंडा करेंगे तो वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ जाएगी और उस टाइम पर जो प्रेशर रहेगा 0.61 किलो पास्कल रहेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द कूलिंग पर्पस। इट इज नॉट नेसेसरी हियर बिकॉज ऑफ द हीटिंग पर्पस आर जनरली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। तो सम फंडामेंटल टर्म्स हियर रिप्रेजेंटेड, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेकेंड इज द सेचुरेशन टेम्परेचर एंड सेचुरेशन प्रेशर एट विच द वेपराइजेशन इज टेकिंग प्लेस। सब कूल्ड लिक्विड इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड वाटर ऑन द कूलिंग becomes the lower than the saturation temperature for the given pressure, that is condition is called a subcooled liquid region, and the compressed liquid region where the pressure on the liquid water is the greater than the saturation pressure at a given temperature, that is called a compressed liquid condition. So compressed liquid or the subcooled liquid, that is the use for the differentiate of the from the all the saturation liquid. All the points in the liquid region indicate that the state of the compressed liquid. Okay, that is another terms, that is a superheated temperature, degree of superheat. Superheat temperature when the dry steam is further heated at a constant pressure and the temperature which is more than the saturation temperature, this is called a superheat temperature. Superheat temperature wo temperature hai jab dry steam ko further aap constant temperature pe garam karte hain और उसके बाद स्टीम जो भी टेम्परेचर अचीव करती है तो वो सुपरहीट टेम्परेचर कहलाता है। डिग्री ऑफ सुपरहीट की बात करें तो डिग्री ऑफ सुपरहीट वहां कहलाता है जब ड्राई स्टीम को आप गर्म करके सुपरहीट कंडीशन पे ले गए हैं तो वहां पे जो टेम्परेचर था, और उसके पहले जब सैचुरेशन टेम्परेचर से आपने स्टीम को गर्म करना स्टार्ट किया था, जो दोनों का डिफरेंसेस था टेम्परेचर का, वो डिग्री ऑफ सुपरहीट कहलाता है। तो व्हेन देयर इज अ नो डेफिनेट पॉइंट एट विच द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू द सुपरहीटेड स्टीम, इट इज जनरली कॉल्ड अ लिक्विड वाटर। व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द सुपरहीटेड स्टीम व्हेन द टेम्परेचर इज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इज द ग्राफ, अनदर ग्राफ इन विच द ऑल द कंडीशंस आर द क्लियरली शोन, इन विच डायग्राम देयर इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो आप देख रहे हैं, एंड दिस लाइन is a mix up with the saturated vapor line, और दोनों लाइन जब आपस में मीट करेंगी तो एक पॉइंट मिलता है जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम देते हैं। इसके बाहर आप जाएंगे तो पूरा आपको वेपर मिलेगा जिसे हम सुपर हीटेड वेपर जोन बोल रहे हैं, इसके बाहर आप जाएंगे तो पूरा आपको लिक्विड जोन मिलेगा। जो बीच वाला आप जोन देख रहे हैं ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीगन कहलाता है। इस रीगन के अंदर आपकी स्टीम प्लस वाटर पार्टिकल्स बोलना चाहिए दोनों ही शामिल रहते हैं, जिसमें कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करती है। तो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग स्टीम का फॉर्मेशन होता है। यदि प्रेशर P1 100 किलो पास्कल है तो स्टीम का फॉर्मेशन अलग तरीके से रहेगा, वहां पे हो सकता है कम ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट रहे। और यदि आप ज्यादा प्रेशर पे, जैसा कि प्लेट का एग्जाम्पल दिया था कि प्लेट यदि आप ढक देते हैं तो वहां पे ज्यादा प्रेशर पे आपका स्टीम का जो हीट का जो आपका जनरेशन है या बोलना चाहिए हीट का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, और बोलना चाहिए कि उस केस में आपका जो वाटर है जल्दी आपका स्टीम फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज अनदर कर्व जहाँ की आप देख रहे हैं हर तरीके से कि टेम्परेचर की वैल्यूज आपकी जो है वो चेंज हो रही है। तो सुपरहीट जो टेम्परेचर है या सुपरहीट जो वैल्यूज है वो आफ्टर द सैचुरेशन कंडीशन आपको मिलती है। यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं ये टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, बट T1 से ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर की कंडीशन चेंज है।
यहाँ पे आप प्रेशर यदि देखेंगे तो 0.2 मेगा पास्कल रहेगा। वन एग्जाम्पल यहाँ पे आप जाएंगे तो 0.4 मेगा पास्कल रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर कंडीशंस वहां पे आपको अलग अलग तरीके से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। ये इसके लिए अलग पॉइंट ये इसके लिए अलग पॉइंट मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका यूनिफॉर्म है, क्रिटिकल पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, बट चेंजेस क्या हो रहा है वहां पे टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज हो रही है। तो दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर 22.06 या मेगा पास्कल या 221 बार कहलाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करें तो 0.003106 मीटर क्यूब पर केजी होता है। तो ये आपके तीन पॉइंट है जहाँ की आप कंडीशंस देखते हैं। तो ये लिक्विड है यहाँ पे, उसके बाद जब उसको चेंज किया तो फेज चेंज हुई, फेज चेंज खत्म करने के बाद ये वेपर कंडीशंस आई और यहाँ पे क्रिटिकल जो प्रेशर था, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर यदि आप वर्क करेंगे तो जो भी प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा क्रिटिकल प्रेशर से, इसे हम सुपर क्रिटिकल कंडीशंस भी बोलते हैं। अब ये आप जो लास्ट डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको ट्रिपल पॉइंट भी नजर आएंगे। तो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ की सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेस तीनों एक जगह आके मिल जाती हैं, उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें फ्यूजन कर्व भी आपको दिख रहा है, सब्लिमेशन कर्व भी दिख रहा है और आपका वेपराइजेशन कर्व भी मिल रहा है। तो तीनों कर्व, फ्यूजन कर्व आपका जो आता है वो सॉलिड फेस से आता है, सब्लिमेशन कर्व जो आता है वो लिक्विड फेस से आता है और वेपराइजेशन कर्व जो है वो आपका वेपर फेस से आता है। तो ये सारे पॉइंट जहां पे आके एक जगह मिलते हैं उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपको जब उसके अबव में आप वर्किंग करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो ट्रिपल पॉइंट इज मेयरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सब्लिमेशन एंड द वेपराइजेशन कर्व। तो जब सब्लिमेशन और वेपराइजेशन कर्व का इंटरसेक्शन होता है उस कर्व को, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट का। तो यहाँ पे भी दिखाया गया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम में कि ट्रिपल पॉइंट आपको कहाँ पे मिल रहा है। तो दिस इज द पॉइंट ट्रिपल पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज द सब्सटेंस व्हेन द एक्सपांड ऑन द फ्रीजिंग, जब फ्रीजिंग करेंगे तो उस टाइम पे जो सब्सटेंस रहता है वो एक्सपांड होता है। एंड सब्सटेंस एट द कॉन्टैक्ट ऑन द फ्रीजिंग, ये अलग कंडीशंस है। फिर क्रिटिकल पॉइंट आप जो देख रहे हैं अब दिस पॉइंट यदि वर्किंग करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नजर आएगा। तो हर तरह की प्रोसेस है यहाँ पे, जिसमें कि लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड टू वेपर ट्रांजिशन हो रहा है। देयर आर द नंबर ऑफ वेज जहाँ की ट्रांजिशन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। लिक्विड टू वेपर आप इजिली देखते हैं कि पानी के द्वारा होता है, सॉलिड टू लिक्विड ये आपका जब कोई भी मटेरियल है जिसको कि आप गर्म कर रहे हैं उसको गर्म करने के बाद वो लिक्विड स्टेट पे भी आता है। सॉलिड टू वेपर जब इतने ज़्यादा आपने सॉलिड को गर्म कर दिया जिसके लिक्विड स्टेट नहीं आए, डायरेक्टली वेपर स्टेट आ गई, तो वो एक अलग कंडीशन कहलाती है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो रखी गई है वैल्यूज वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव होती है या उसका प्रेशर उस टाइम पे 0.6117 किलो पास्कल होता है। दैट इज द पॉइंट वहां पे आपका ट्रिपल पॉइंट के सारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है। जबकि क्रिटिकल पॉइंट की जो कंडीशन है वो 373.14 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर रहता है 22.06 मेगा पास्कल रहता है। तो दैट इज द टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी।